हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 ESIC और रिम्स रांची स्पेशल क्लास जो है उसका पार्ट जॉन्डिस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से काफी सारे MCQ पूछे जाते हैं। स्पेशली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, फोटोथेरापी क्या होता है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरापी और जॉन्डिस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है हर बार किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें मिलते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, इवन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इवन एनक्लेक्स पैटर्न जो इस पर्टिकुलर डिजीज पे बनते हैं उसको आपके साथ शेयर करें। तो फटाफट एक बार लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट हर उस नीडफुल जरूरतमंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले। और JINC परिवार में पढ़ने वाले जितने भी CHO हरियाणा में सेलेक्टेड CHO बने, उनको JINC परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और JINC में भरोसा करने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया, क्योंकि हमेशा कहता हूं JINC है तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है, JINC है तो मुमकिन है। आपके इसी नारे ने हजारों फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की जिंदगी को बनाया। कोशिश जारी है, कारवा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वो हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लगातार अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा है। यही JINC परिवार की मेहनत है। तो फटाफट इस क्लास को शेयर और लाइक करते रहे और आज की क्लास को कैरी ऑन करते। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्लास को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह के इंपॉर्टेंट थॉट के साथ जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, आपको कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी जिंदगी में हारना नहीं है। क्या पता एक अगली कोशिश आपको जिंदगी के उस कामयाब क्षण में लेके जाए जो आप चाहते हो। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, लगातार मेहनत करना ही सक्सेस की की है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से आपने अपना हार्डवर्क, आप अपनी कंसिस्टेंसी JINC परिवार के साथ बनाए रखें। क्या पता अगले ही पल आपकी कोशिश आपको कामयाब बना जाए। और यदि जब हम कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाबी कहां से मिलेगी। नेवर गिव अप, नेवर नेवर एवर गिव अप। ओके फाइन, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। सुमन, सुमन यादव, थैंक यू माय डियर। हमेशा की तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो क्वेरी होती है JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उस क्वेरी को क्लियर करते हुए आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। ESIC और नॉर्सेट 2021 के तैयारी करने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनके लिए JINC टीम जोधपुर के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चे किसी कारणवश अपने परिवार से नहीं आ सकते हैं, जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं, बट हम अपने परिवार के साथ रह करके अपने जॉब को निरंतर कंटिन्यू करके आप JINC परिवार का हिस्सा बन सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। इस कोर्स के अंदर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, OT, ICU, इमरजेंसी और वीडियो बेस्ड, वो सब कुछ दिया है जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए। लगभग 800+ वीडियोज अवेलेबल है, लगभग 800+ वीडियोज अवेलेबल। आज ही आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। यूनिट वाइज टेस्ट भी दिया बच्चों, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी दिए हुए। इस कोर्स की प्राइस 6499 है। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, अपनी मेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा और JINC को रेटिंग देना होगा। 5 स्टार के साथ रेटिंग दीजिएगा, उसके बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे जाइएगा। कोर्स को परचेज करने के बाद पेमेंट मोड पे जाना होगा और पेमेंट करने के बाद लॉग आउट और लॉग इन करके आज से ही आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हो। ओके फाइन, आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं और आज अपना जो टॉपिक है बच्चों जॉन्डिस, जिसको हम
एक्ट्रेस नियोनेट्रम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाता है कि एग्जैक्टली द जॉन्डिस इज ऑल्सो नाउन एज, द जॉन्डिस इज ऑल्सो नाउन एज एक्ट्रेस नियोनेट्रम, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू अनुष्का गुप्ता, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके फाइन विल मूव फर्दर। अब जॉन्डिस की जब बात आई है तो जॉन्डिस में हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है बच्चों, और हाइपर बिलिरुबिनीमिया में आपको पहले बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। जब आपको बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल पता होगा तो आप पता लगा सकते हो कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है। फिर हम देखेंगे पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या डिफरेंस है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, हमेशा याद रखना जब बच्चों हम रेड ब्लड सेल पढ़ते आरबीसी पढ़ते, और आरबीसी जब ब्रेक होता है तो दो चीजें बनती है, एक बच्चों हीम बनता है और दूसरा ग्लोबिन बनता है, ध्यान से देखना। और ग्लोबिन जो है रीसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के द्वारा, वापिस आपके बॉडी में चला जाता है, और वही माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो हिम है ये फर्दर ब्रेक होगा, तो दो पार्ट्स बनेंगे, एक बनता है फेरस और एक बनता है बच्चों बिलीवर्डिन। क्या बनता है? बिलीवर्डिन, एक बिलीवर्डिन बनता है। और बिलीवर्डिन क्या बनाता है? बिलिरुबिन बनाता बच्चों, क्या बनाता है? बिलिरुबिन बनाता है। याद रखना बिलिरुबिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका वेस्ट है? हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होने के बाद जो वेस्ट बनता है दैट इज अ बिलिरुबिन। अब इस बिलिरुबिन का लेवल यदि आपके ब्लड में बढ़ जाता है, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपर बिलिरुबिनिया, थैंक यू गीता, वेरी गुड इवनिंग डियर, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपर बिलिरुबिनिया। और हाइपर बिलिरुबिनिमिया आर रिस्पॉन्सिबल, कैन कॉज जॉन्डिस। ओके फाइन, क्लास को कैरी ऑन करने के लिए सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन का लेवल देखना जरूरी है। एक बात मैं और यहां पर क्लियर कर देता हूं बच्चों, हमें यहां पर बिलिरुबिन का लेवल टर्म और प्रीटर्म को अलग अलग मिलेगा। प्रीटर्म बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल अलग होगा, टर्म बेबी में अलग होगा, एडल्ट में अलग होगा। यहां पर हम यदि पीडियाट्रिक के पर्पस से पढ़े तो हमें प्रीटर्म और टर्म्स का बिलिरुबिन लेवल पता होना चाहिए, देन इजीली वी कैन आइडेंटिफाई कि पेशेंट को हाइपर बिलिरुबिनीमिया हुआ या जॉन्डिस हुआ। देखिए यहां पर क्लियरली बच्चों मैंने लिखा है, एडल्ट की हम बात करें तो सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट, जिसको हम कंजुगेटेड बोलते हैं, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का डायरेक्ट इज ऑल्सो नाउन एट वी कैन से कंजुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड प्राइमरी वी द इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली क्या होता है? दिस इज योर लीवर, दैट इज योर राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, देन कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज योर ड्यूडिनम। अब लीवर से आपका बिलिरुबिन है वो सीधा कहां पहुंच रहा है बच्चों? इंटेस्टाइन में, दैट डायरेक्टली रीच टू द इंटेस्टाइन। मतलब जो बिलिरुबिन लीवर से निकल करके इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है उस बिलिरुबिन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बिलिरुबिन, और अदर वर्ड वी कैन से कंजुगेटेड बिलिरुबिन। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से देखना, लीवर आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन, यहां से राइट टू लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से होता हुआ, कॉमन बाइल डक्ट से होता, ड्यूडिनम में जाता है, और ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे जो ड्यूडिनम में पहुंचा दैट बिलिरुबिन वी कैन से डायरेक्ट बिलिरुबिन, और जिसका नॉर्मल लेवल 0 से 0.3 mg पर डेसीलीटर होता है। This is your competitive exam MCQ. Directly they are asking what is the, मैं adult की बात करूं बच्चों, मैं आपको preterm और term का भी बताऊंगा, adult के bilirubin की बात कर रहा हूं। Direct bilirubin का meaning competitive exam में कई बार पूछा हुआ है। Direct का दूसरा नाम conjugated बोलते हैं। Just opposite that we can say indirect or unconjugated. Unconjugated का मतलब that bilirubin directly primarily find out into the blood, क्योंकि जैसे ही बिलिरुबिन लीवर से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और इंटेस्टाइन से कहां पहुंच सकता है? ब्लड में। तो जो बिलिरुबिन जो है ब्लड में एंटर कर गया, डायरेक्टली ब्लड में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट और अनकंजुगेटेड। देखिए दोनों टर्म्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नीड टू बी आइडेंटिफाई क्लियरली। आई वॉज मेंशन हियर इनडायरेक्ट इज ऑल्सो नाउन एज अनकंजुगेटेड और डायरेक्ट इज ऑल्सो नाउन एज कंजुगेटेड। डायरेक्ट आपने देखा 0 से 0.3 mg पर डीएल था, ये थोड़ा सा ज्यादा है, 0.1 से दैट इज अ 1 mg पर डीएल।
कभी कभी आपसे क्या पूछे, कभी कभी आपसे पूछेंगे टोटल बिलरुबिन, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सीधा पूछेंगे व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ बिलरुबिन, तो आपको आंसर पुट करना लेस देन 1.5 mg/dL, लेस देन 1.5 mg/dL. देयर आर थ्री थिंग्स दैट इज अ डायरेक्ट वी कैन से कॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट वी कैन से अनकॉन्जुगेटेड, और दैट इज अ बिलरुबिन, दैट इज अ बिलरुबिन. गेट इट एवरीबडी? तो दीज आर द नॉर्मल पैरामीटर विच इज बिलोंग फ्रॉम द बिलरुबिन लेवल. जब आपको नॉर्मल पता होगा तो जैसे ही बिलरुबिन का लेवल बढ़ेगा इट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट हैव हाइपर बिलरुबिनीमिया. और हाइपर बिलरुबिनीमिया किस में फाइंड आउट होता है? दैट द पेशेंट सफर विद द जॉन्डिस. इसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं, वी कैन नॉट गो इन अ डिटेल. हम एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसको जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों. ओके फाइन. नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि प्रीटर्म बेबी, देखिए प्रीटर्म बेबी है, टर्म से पहले प्रीटर्म बेबी में पैरामीटर लगवा. तालिब, तालिब, शाबाश, 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 बहुत बढ़िया बेटा. प्रीटर्म बेबी में मैंने क्लियर मेंशन किया है कि यदि बच्चे की उम्र जो है वो लेस देन 24 आवर्स का बेबी है, लेस देन 24 आवर्स का बेबी है, तो बिलो 8.0 mg/dL का. देखिए प्रीटर्म बेबी का नॉर्मल बिलरुबिन लेवल आपको मेंशन कर रहा हूं. यदि आपको नॉर्मल बिलरुबिन लेवल पता होगा वी कैन आइडेंटिफाई पेशेंट सफर विद द जॉन्डिस. If you are going for the preterm, if you are going for the term baby, both have different level of bilirubin. Both have different level of bilirubin. Manisha Kumari, very good evening dear. Here you can see less than 24, 8.0 से कम होगा. जैसे ही बच्चा 48 आवर्स तक पहुंचेगा तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा, 12.0 mg/dL होगा. याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. और जैसे ही बच्चे की एज 3 to 5 days का होगा दैट विल बी 15.0 mg/dL. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्री टर्म बेबी की बात करें. अगेन यू कैन सी एज 7 days द बिलरुबिन लेवल गोइंग फॉर बिलो 15.5. देखिए प्री टर्म के पैरामीटर अलग होते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी है, और प्री टर्म बेबी का जो ब्लड वॉल्यूम होता है बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 100 ml/kg. यहां पर भी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है. जब हम पढ़ते टर्म बेबी का ब्लड वॉल्यूम तो 80 ml, टर्म बेबी का जब ब्लड वॉल्यूम पढ़ते तो हम 80 ml पढ़ते. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर आई वाज पुटेड. यदि टर्म बेबी का पूछे या प्री टर्म का पूछे तो 100, और टर्म बेबी का पूछे तो बच्चों 80 ml लिखना है, 80 ml लिखना. तो प्रीटर्म के पैरामीटर यहाँ पर अबनॉर्मल है. हमने प्रीटर्म बेबी का नॉर्मल बिलरुबिन लेवल क्लियरली मेंशन किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. थैंक यू आशु चौधरी, थैंक यू सो मच माय डियर. इट्स योर लव टुवर्ड्स जेआईएनसी. जेआईएनसी अपना मेहनत और ईमानदारी के साथ लगातार हार्डवर्क करता है, और आप लोगों की जेआईएनसी के साथ जो मेहनत हो रही है वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ा रही है. और ये आपका भरोसा है कि आपने जेआईएनसी पे ट्रस्ट किया, और जेआईएनसी अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जरूर कुछ नया देने की कोशिश करता. मैं हमेशा कहता हूं जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होता 1 hour का, क्लास के बाद एक बार खुद से जरूर पूछे व्हाट आई लर्न. आज मैंने जेआईएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से क्या सीखा है, आपको बच्चों जवाब खुद ब खुद मिलेगा. और ये 1 hour की एक्टिविटी मैंने आपको डेली डोज के रूप में आपकी लाइफ में एड करने की कोशिश की, और ये 1 hour की एक्टिविटी आपको नॉलेजेबल पर्सन बनाएगी, आपको कॉम्पिटिटर बना देगी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए, और ये 1 hour की एक्टिविटी आपको जिंदगी में एक हंगर डेवलप कर देगी. यस आई कैन डू, आई हैव कैपेबिलिटी टू फाइट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. इस तरह की एनर्जी आपके अंदर डेवलप कर देगी. क्योंकि जब जिंदगी में आप स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल करके यदि आप कुछ बनते हो तो स्ट्रगल वाले दिन भूलने नहीं चाहिए. आज जितने भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले अशोक सर आपके वहीं थे, आज लगातार मेहनत की वजह से कुछ अच्छा कर पाए, तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं नर्सिंग प्रोफेशन के उस फ्यूचर जनरेशन को डाइवर्ट होने से, गलत ट्रैक पर जाने से रोकने की एक कोशिश जरूर कर सकता हूं, और उस कोशिश में मैं जरूर कुछ अच्छा देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने गोल तक, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे. और जरूर आपको लाइफ में एक बार यह एहसास और याद जरूर आएगा कि यहां जेआईएनसी परिवार ने मुझे आगे बढ़ाने में छोटी सी कोशिश की थी. करना आपको, चलना आपको, लड़ना आपको है, बैकबोन के रूप में आपकी जेआईएनसी आपके पीछे खड़ी होगी, और इसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है.
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं आपको कोशिश को छोड़ना नहीं है। कभी उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आपका मन उदास होगा, कभी आप डीमोटिवेटेड होंगे, कभी सोसाइटी के वो लोग जो नियरेस्ट और डीएस घूमते हैं आप पे तंज कसेंगे। बट याद रखना बच्चों, जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना, तो पूरा कारवा आपके पीछे चल के आएगा। और हर कोई वो बनना चाहता है जो आपने किया होगा। तो रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है और जरूर कुछ नया करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी गायत्री। आप सभी का प्यार है बच्चों। हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने यहाँ फुल टर्म बेबी की बात कर रहा हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुल टर्म बेबी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर को शो करेगा। आई वॉज सुनीता, थैंक यू सो मच। फुल टर्म में बिलरुबिन का लेवल प्री टर्म के कंपेरिजन लेवल जो है कम होगा। लेस देन 24 आवर्स में लेस देन बिलो 6.0 होगा। लेस देन 48 आवर्स में बिलो 10.0 mg होगा। देन एज यदि बच्चे की 3 से 5 दिन की है तो बिलो 12.0 होगा। तो मैंने यहाँ तीनों एज ग्रुप का बिलरुबिन लेवल पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी क्लियरली, पहले मैंने प्री टर्म, देन टर्म बेबी, उसके साथ मैंने अडल्ट का भी जिक्र किया। अब हम पैरामीटर में एंटर करते हैं। अब फाइनली वी आर एंटर इन द पैरामीटर। मैंने ये भी लिखा था 7 डेज का बच्चा होगा, उससे ज्यादा एज का तो 10.0 तक हो जाएगा। हियर यू कैन सी टर्म बेबी का हो गया। फुल टर्म बेबी में थोड़ा वेरिएशन यू कैन सी, लिटिल बिट डिफरेंस है। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ अ न्यूबॉर्न। क्वेश्चन आपके सामने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के रिगार्डिंग। मैं याद दिला देता हूं बच्चों, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये दो कंडीशन हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। पैथोलॉजिकल क्या होगा, फिजियोलॉजिकल क्या होगा? द बायो ट्यूब्स हिंदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू माई लविंग द बायो टैप हिंदी डोनेटिंग 40 rupees टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड विथ योर लॉट्स ऑफ लव, सुपर फैन ऑफ द सुपर चैट। क्वेश्चन आपके सामने, विद इन 48 आवर्स अपियर इन 1 month of birth। सोच समझ करके आंसर देना। मैंने फिजियोलॉजिकल की बात की है, मैंने पैथोलॉजिकल की बात नहीं की बच्चों। मैंने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात नहीं की है। आई डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। चार ऑप्शन आपके सामने। ज्योति यादव, शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। चार ऑप्शन है, 24 घंटे के अंदर डेवलप होने वाले जॉन्डिस को क्या हम बोल सकते हैं। अर्जुन कुशवाहा डोनेटिंग 19 rupees, थैंक यू सो मच माय लविंग अर्जुन। जासमीन सलाम अलैकुम, बहुत बढ़िया बेटा। ABCD चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करना, गलत मत करना बच्चों। मैंने पूछा आपसे, गलत मत करना, क्वेश्चन को देखना। आई डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल, नॉट पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में मेजर डिफरेंस है बच्चों, मेजर डिफरेंस है। फटाफट आंसर पुट करेगा। अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। ए में लिख रहे फै बच्चों, फिजियोलॉजिकल पूछ रहा हूं, नॉट पैथोलॉजिकल। आई आस्क फिजियोलॉजिकल। देखिए मैंने विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में डेवलप नहीं होता है, विद इन 48 में नहीं होता, 48 के बाद होता है बच्चों। सी इज द राइट आंसर। यही गलती कर ली आपने। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओवर स्मार्टनेस। क्वेश्चन को हिंट दे रहा हूं मैं आपको, अभी क्लियर करूंगा क्या आंसर सी होगा। विल बी क्लियरिफाई एवरीबडी। हियर यू कैन सी एवरीबडी आई वॉज पुटेड हियर। इसका पीक लेवल जो होगा वो 72 to 90 hours को होगा। जब भी हम बात करें बच्चों, जब भी हम फिजियोलॉजिकल की बात करें तो पीक 72 से 90 होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं बच्चों। MPCHO के एग्जाम देने वाले बच्चों ने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर लिया होगा, थ्योरी पढ़ लिया होगा। उन बच्चों के लिए एक बार एग्जाम से पहले खुद को रिवाइज करने के लिए 249 की श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अनीता डोनेटिंग 20 rupees, थैंक यू सो मच
249 रुपीज की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आप JINC के प्ले स्टोर पर JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, या फिर आप JINC वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें 1100 MCQ बच्चों, जिसमें 1100 MCQ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस क्वेश्चन में, इस स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन पैटर्न में वो सब कुछ मिलेगा जो MPCHO ने पूछा है, जो MPCHO ने पूछा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको क्लियर मेंशन करता हूं, नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस विल अपियर। क्वेश्चन को देखिएगा, अभी मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपियर, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपियर आफ्टर 24 इन द फुल टर्म बेबी, इन द फुल टर्म बेबी आफ्टर 48 आवर्स इन अ प्री मैच्योर, इन अ प्री मैच्योर, ध्यान से देखना, इन अ प्री मैच्योर। नॉर्मली टर्म बेबी में 24 घंटे के बाद, नॉर्मली टर्म बेबी में 24 घंटे के बाद, और आफ्टर 48 आवर्स प्री टर्म न्यूबॉर्न में, प्री टर्म न्यूबॉर्न में अपियर होगा। आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है कब अपीयर होता है। यदि फुल टर्म बेबी है, फुल टर्म बेबी है आफ्टर 24 आवर्स होगा, फुल टर्म बेबी आफ्टर 24 आवर्स होगा, वहां पर मैंने ना तो फुल टर्म लिखा है ना प्री मैच्योर लिखा है। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ना मैंने प्री टर्म लिखा है ना वहां पर टर्म बेबी लिखा है। दूसरा लिखा है 48 आवर्स के बाद प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में, प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में, और क्लियर मेंशन किया, ध्यान से देखिएगा, जॉन्डिस अकरिंग बिफोर दिस टाइम, यदि 24 घंटे से पहले जॉन्डिस अपीयर होता है वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहता है। किसमें बच्चों? न्यूबॉर्न टर्म में और प्री मैच्योर में 48 आवर से पहले होगा, दैट वी कैन से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस मे बी इंडिकेट अर्ली हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस का मतलब होगा ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी मस्ट बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन, मस्ट बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। मैंने यहाँ पर प्री टर्म और दोनों पुट किया, यहाँ पर दोनों पुट किया क्योंकि मुझे पता था वो क्वेश्चन पुट करने का मेरा रीजन यही था कि आप एक के पीछे घूमेंगे, आप एक के पीछे घूमेंगे। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ मैंने क्लियर किया है, नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस विल अपियर आफ्टर 24 आवर्स इन द फुल टर्म न्यूबॉर्न, आफ्टर 48 आवर्स इन द प्री मैच्योर, और मैंने आपको लिखा था बच्चों ऑलमोस्ट इन अ वन वीक, इससे पहले नहीं होता है। यदि इससे पहले होता है, इससे पहले होता है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। आज के बाद ये गलती दोबारा रिपीट मत करना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। थैंक यू भूपेंद्र बेरवा, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई क्योंकि मैंने दोनों डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट। यार आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, गलत जवाब देने की कोशिश करते हो, गलत नहीं सीखना बच्चों, गलत नहीं सीखना। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, अब पीक की बात करें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, एग्जैक्टली देखा जाए मैंने आवर्स में 96 के आसपास पुट किया। क्वेश्चन आएगा कौन से डे, फिफ्थ डे ऑफ लाइफ इनडायरेक्ट बिलरुबिन लेवल 6 to 7 mg पर डीएल। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि पीक कब होगा, पीक कब होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी फिफ्थ डे ऑफ लाइफ, देखिए देखिए मैंने यहां पर क्लियर मेंशन किया, यू कैन सी एवरीबॉडी, ध्यान से देखिएगा। आई वाज मेंशन वेरी वेल इन दिस MCQ 72 से 90 आवर्स, और 90 आवर्स का मतलब लगभग 5 दिन, लगभग 5 दिन। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था विद स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, क्योंकि विद इन 24 आवर्स होता है तो पैथोलॉजिकल होता है, किसमें? टर्म में। विद इन 48 आवर्स होता है तो पैथोलॉजिकल किसमें होता है? प्री टर्म है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा रहे बच्चों, आपके पास ऑप्शन क्या बचा? माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेट इट एवरीबडी, आई यू क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। एक क्वेश्चन था आपका जहां पर आपको क्वेरी थी, जहां पर आपको क्वेरी थी, इस क्वेश्चन की क्वेरी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी डायरेक्टली आई वाज पुटेड हियर, डायरेक्टली आई वाज पुटेड हियर, यू कैन सी फिफ्थ डे ऑफ लाइफ दैट इज अ पीक, देन इन द टर्म बेबी सबसाइड बाय द 7th डे ऑफ बर्थ। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ कि कब सबसाइड हो जाता है, कब सबसाइड हो जाता है। तो आपको आंसर, थैंक यू सीके मेघवंशी, थैंक यू सो मच, 7th डे ऑफ बर्थ। यहां पर टर्म बेबी की बात करें, पैरामीटर टर्म बेबी से रिलेटेड है बच्चों, टर्म बेबी से रिलेटेड है। तो आज के बाद कभी गलत मत करना। ज्योति गोयल, थैंक यू माय लविंग फाइटर, थैंक यू सो मच।
ओके फाइन, फोटोथेरापी द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, आगे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में फोटोथेरापी और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, दोनों के क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछूंगा और दोनों पे क्वेश्चन बनने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में जिक्र करूंगा। मैं लिखा बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पेशेंट सफर विद द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, आपको आंसर लिखना होगा दैट इज अ फोटोथेरापी, फोटोथेरापी, यहां पर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता तो आपको आंसर लिखना होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल मूव फर्दर। थैंक यू रजनी, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, देखिए आप लोगों के लिए, आपके लिए प्रिपेयर की गई एक स्पेशल गुड न्यूज। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, जितने भी बच्चे एमपीसीएचओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी बच्चे एमपीसीएचओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल मेगा क्लास विथ 400 MCQ, 4 आवर क्लास, 4 आवर क्लास विथ 400 MCQ कब कंडक्ट की जा रही बच्चों, 28 मार्च। टाइम देखना बच्चों 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, टाइम छुट्टी लेके रखिएगा, छुट्टी लेके रिंकू रॉय, क्या बात है मेरा बच्चा, ऑलवेज डोनेटिंग रिंकू रॉय, 40 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। आप सभी के लिए स्पेशल गुड न्यूज, हमेशा एमपीसीएचओ के बच्चे शिकायत करते सर हमारे लिए कुछ करते क्यों नहीं, मैंने आपके लिए बच्चों लगभग 100 से ज्यादा क्लासे ले रखी है जहां पर एमपीसीएचओ से रिगार्डिंग बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम से पहले एक बार बूस्ट करके भेजूं, आपको वो एनर्जी पावर देके भेजूं कि आपको सारे सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक रिव्यू पता हो, हर टॉपिक का रिव्यू पता हो, और इस 4 घंटे में वो सब कुछ रिवाइज करेंगे जो एमपीसीएचओ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरी एक कोशिश आप लोगों के लिए, आपको सक्सेस होना देखना चाहता हूं, आप जहां पर भी जिंदगी में सक्सेस होके बैठे हैं तो हमेशा कहें प्राउड टू बी JINC, प्राउड टू बी JINC, बस यही मेरी कोशिश है। और मैं हमेशा कहता हूं मेरी जिंदगी, मेरा वर्ल्ड मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है, और ये सच है बच्चों, जो बच्चे मुझे करीब से जानते हैं वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मेरी हर एक कोशिश आप लोगों के लिए होता है और वो कोशिश मेरी जारी रहेगी। तो ये स्पेशली बच्चों 4 आवर मेगा क्लास है और इस क्लास को सुपर हिट करना बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्रमर रूल यूज्ड, हम जॉन्डिस की बात करें, हम जॉन्डिस की बात करें क्रेमर्स रूल यूज फॉर, कहां यूज करते हैं क्रेमर्स रूल का, डेफिनेटली जॉन्डिस की बात करें तो हम क्रेमर्स रूल का यूज करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जॉन्डिस माल न्यूट्रिशन देन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और हेड सर्कमफ्रेंस, 4 पैरामीटर मैंने आपके सामने पुट किए बच्चों, 4 पैरामीटर आपके सामने पुट किए हैं, बिल्कुल यू कैन सी विच इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल कल्पना, बाद में भी क्लास को देख सकते हैं जब भी आपके पास वक्त हो। ग्रेट भारती, ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जॉन्डिस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रेमर रूल का यूज करते हैं। मैं एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बताता हूं, जब कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना बच्चों, ये पहले मैं बता चुका हूं, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछेगा क्रेमर रूल क्या बताता है बच्चों, बिलरुबिन का लेवल बताता है, बिलरुबिन का लेवल बताता है, और बिलरुबिन का लेवल कैसे बताएगा, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, हाउ कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द लेवल ऑफ बिलरुबिन। यहां पर मैंने एक एरिया ऑफ बॉडी लिखा, दूसरी तरफ मैंने बिलरुबिन का लेवल लिखा, ये जॉन्डिस को असेसमेंट करने का रूल होता है जिसको हम लोग क्रेमर रूल्स बोलते हैं बच्चों, क्रेमर रूल्स बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए यदि पेशेंट का फेस जो है वो येलो दिख रहा है, फेस येलो दिख रहा है, इसका मतलब बच्चे का बिलरुबिन लेवल बच्चों 4 to 8 mg/dL होगा। देखिए बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग बिलरुबिन का लेवल फाइंड आउट करते हैं हम लोग क्रेमर्स रूल में, इट विल यूज पेशेंट सफर विद द जॉन्डिस, यू कैन सी एवरीबॉडी। दूसरा मैंने लिखा बच्चों अपर ट्रंक, दिस इज योर अपर ट्रंक, अपर ट्रंक यदि येलो दिख रहा है इसका मतलब पेशेंट का बिलरुबिन लेवल 5 to 12 है, बिलरुबिन लेवल 5 to 12 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वहीं यदि लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक यदि येलो दिख रहा है दिट विल बी इंडिकेटिंग 8 to 16 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बिल्कुल बिल्कुल सोनिया। देन उसके बाद लिखा बच्चों आर्म्स एंड लेग, आर्म्स एंड लेग, देखिए ये दोनों हाथ और ये दोनों लेग, दोनों हाथ और दोनों लेग, हाथ भी जो है कंप्लीट है, लेग बिलो द नी है, समझ जाना 11 to 18। और जब यदि पाम और सोल, दैट इज ए पाम और सोल, ये दिस इज योर पाम, दैट इज योर सोल, यदि आपका पाम और सोल दोनों येलो है तो समझ जाना बच्चों मोर देन 15
मोर देन 15 उस बच्चे का बिलरुबिन लेवल है, मोर देन 15 उस बच्चे का बिलरुबिन लेवल है, और दैट बिलरुबिन लेवल रिफ्लेक्टिंग जॉन्डिस, तो दैट रूल वी कैन से क्रमस रूल. क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमस रूल. क्वेश्चन इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. आई होप माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यू पीपल डू वेरी वेल. गेट इट एवरीबडी? शाबाश शाबाश शाबाश. कोशिश जारी रहेगी बच्चों आप लोगों के लिए. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. अब हमने ज्यादातर देखा कि हम क्रेमर रूल से पता लगाते हैं, बट आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें डिजिटल चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जेएनसी हमेशा समय के साथ चलता है. जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आया, अप्लीकेबल क्वेश्चन आए, डिजिटल इमेजेस वीडियोज पूछने लगे, आपके जेएनसी ने वैसा ही कहा, वैसा ही किया. यहां पर देखिएगा, ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर, एक इमेज दिख रहा होगा बच्चों, एक इमेज दिख रहा होगा, दैट इमेज वी कैन से ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर, दैट विल बी हेल्प टू यूज आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ बिलरुबिन. देखिए, डू नॉट रिक्वायर ए ब्लड सैंपल, यहां पर ब्लड सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती. सबसे खास बात, देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ ब्लड सैंपल. ए लाइट इमिटिंग सेंसर इज अ प्लेस ऑन द इन्फेंट स्किन, स्पेशली दो जगह प्लेस कर सकते हैं, स्टर्नम पे प्लेस कर सकते हैं, फोरहेड पे प्लेस कर सकते हैं, और ये डिवाइस डायरेक्टली डिटेक्ट करेगा, और ये डिवाइस डायरेक्टली डिटेक्ट करेगा लेवल ऑफ बिलरुबिन. आजकल देखा होगा ना बच्चों, COVID-19 में टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके की डिवाइस होती है. स्टर्नम पे पुट कर सकते हैं हम लोग, फोरहेड पे पुट कर सकते हैं. जैसे ही डिवाइस के सेंसर टच होंगे तो वो आपकी स्किन और आपके ब्लड में प्रेजेंट बिलरुबिन लेवल को रिफ्लेक्ट करेगा. तो दैट डिवाइस वी कैन से ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर, ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर. इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. हाँ बिल्कुल तालिब, ये नॉन इन्वेजिव है, वी कैन से नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है. क्योंकि इन्वेजिव का मतलब होता है जब हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करके करते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, दैट वी कैन से नॉन इन्वेजिव, दैट वी कैन से नॉन इन्वेजिव. सीमा कुशवाहा, थैंक यू सो मच डियर. तो दैट इमेज विल बी आस्किंग, इमेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इमेज का नाम पूछा जा सकता है. तो आपको आंसर ट्रांसकुटेनियस बिलरुबिनोमीटर लिखना होगा, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, आपके सामने मैं लिखा ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की ट्रीटमेंट चॉइस क्या है. ऑप्शन आपके सामने है, स्टीरोइड थेरापी, फोटोथेरापी, और लिखा है ऑक्सीजन थेरापी और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन. एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर. ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ फिजियोलॉजिकल, अभी मैंने कहा था बच्चों फिजियोलॉजिकल, मैंने कहा था फर्स्ट वीक में डेवलप हो रहा है, दैट वी कैन से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. सो ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या बच्चों? लगभग 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं. लाइक तो बनता बच्चों, लाइक इट एवरीबडी, क्योंकि टेररिस्ट को जवाब देना JINC आर्मी को सीखना होगा. जब एक टेररिस्ट अटैक करता तो यहां 1600 JINC आर्मी को एक साथ जवाब देना है कि स्टडी क्या है, कंटेंट की वैल्यू क्या, हार्डवर्क क्या. और आपको पता होगा बच्चों डिसलाइक कौन करते हैं, डिसलाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इतना एनकरेज करते हैं कि यू विल डू मोर हार्डवर्क. आई थैंक्स टू डिसलाइकर, आप अपना काम करिएगा ताकि मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए और मेहनत कर सकूं. आई नेवर माइंड, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में जब आप कुछ अच्छा करते हो ना बच्चों, तो क्रिटिक्स पैदा होते हैं. इंग्लिश में कहावत है बच्चों, ध्यान रखना, वेन द पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट यू, ध्यान से सुनना माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेन द पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट यू इट मीन्स यू आर ग्रोइंग. जब लोग आपके बारे में बात करें, जब लोग आपकी बुराई करने में तुले होते हैं, समझ जाना आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो. इट्स टेक पॉजिटिव. मोनिका डोनेटिंग 39 रुपीज, थैंक यू मोनिका. तो जब भी जिंदगी में आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं करने वालों का काम क्या होता है? नेगेटिविटी करना. और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वेन यू डू समथिंग यू डू मिस्टेक, वेन यू डू समथिंग यू विल रीच टूवर्ड योर डेस्टिनेशन. इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नोबडी कैन पिंच यू, नोबडी कैन स्टीमुलेट यू. हाउ यू कैन एनर्जाइट योर सेल्फ, हाउ यू कैन मोटिवेटेड योर सेल्फ, दीज आर द पीपल, दे आर मोटिवेटेड यू. एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जहां पर भी आप नेगेटिव एनवायरमेंट में घुस गए ना,
तो आप अपने आप को डीमोटिवेटेड कर लोगे। जिंदगी में इतना बिजी हो जाओ कि हमें नेगेटिव चीजें सोचने का वक्त नहीं मिले। जिंदगी में इतने डेडिकेटेड हो जाओ कि हमें फालतू लोगों से मिलने का वक्त भी नहीं मिले। जिंदगी में इतने डेडिकेटेड हो जाओ कि सोसाइटी के ताने सुनने का वक्त भी नहीं मिले। अपने काम में मकसूल हो जाओ, अपने काम में इतने खो जाओ, अपने गोल पे इतना डेडिकेटेड हो जाओ, एक दिन सारा कारवा आपके पीछे चल के आएगा बच्चों। आप उनकी जिंदगी का हीरो बन जाओगे। कुछ वक्त हिम्मत रखना है, कुछ वक्त सहन करना है, अपना भी वक्त आता है। क्योंकि 2021 सपनों का, सपने पूरे करने का ईयर है, और इस ईयर में सपने पूरे करने हैं बच्चों। आपके सपने पूरे करने के लिए आपके अशोक सर और आपकी जेआईएनसी टीम सदा कोशिश करती रहेगी। इसलिए नेवर माइंड इट ऑन अनवांटेड थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सही आंसर, सेम क्वेश्चन पूछ किया बच्चों। ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, यहाँ पर लिटिल बिट चेंजेस है बच्चों, यू कैन सी एवरीबॉडी। यहाँ पर भी मैंने चारों ऑप्शन वही दिया, बट आंसर अलग होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इज, कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट चॉइस क्या होगा बच्चों। यू कैन, थैंक यू रजनी। तो आपका आंसर होगा एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ये वेरिएशन हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा। इन वेरिएशन को नेवर फॉरगेट करना बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ फोटोथेरेपी लाइट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, वन फीट में 12 इंच होता लगभग, और 30 सेंटीमीटर होता है, याद रखना 30 सेंटीमीटर और वीकेंड से 12 इंच होता है। ये 1 फीट का पैरामीटर मैंने आपको बताया। डिस्टेंस ऑफ फोटोथेरेपी पूछा, ज्यादातर बच्चों ने सही लिखा है 45 इंच। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट है, और हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। मेरा इसका पर्पज कुछ और है बताने का, आप ध्यान से देखिएगा। ये तो आपने अच्छे से बताया 45 इंच, कभी कभी इंच को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। किया ना गड़बड़। 18 इंच, 45 इंच, 25 सेंटीमीटर, 2 फीट, आंसर लिखिएगा बच्चों। इंच और सेंटीमीटर यहां पर बच्चों क्लियर कर देना, इंच नहीं होगा, दैट वी कैन से सेंटीमीटर। एक्चुअली इंच की बात करें तो वी कैन से 18 इंच। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंच में पूछेंगे आपको 18 लिखना है, और 45 क्या होगा सेंटीमीटर, और इंच में क्या लिखना है 18। जैसे हम लोग क्लियर पढ़ते हैं तो आपको सही आंसर क्या पुट करना होगा, दैट इज 18 इंच। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जब हम फोटोथेरेपी की बात करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द फोटोथेरेपी डिस्टेंस बिटवीन बेबी और लाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, 45 सेंटीमीटर, 18 इंच। क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, इसलिए यहां पर क्लियर कर लीजिएगा। 45 सेंटीमीटर होगा, 18 इंच होगा बच्चों। किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन लाइट और बेबी, that distance we can say 45 centimeter, 18 इंच। दूसरा, लाइट जो है कॉमनली हम लोग ब्लू लाइट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 4 ब्लू लाइट यूज करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मोस्ट इफेक्टिव लाइट कौन सी होती है फोटोथेरेपी में, तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों ब्लू लाइट। ओके फाइन। तीसरा, रेंज ऑफ लाइट भी पूछते हैं, तो आपको 550 टू 600 इतना इजी टू रिमेम्बर एवरीबॉडी, बहुत आसान है। ज्यादातर हम 4 ब्लू लाइट यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, बीबीएस बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। बाकी डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि लगातार फोटोथेरेपी होगा, डेफिनेटली डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। और फाइनली हाइपरथर्मिया बच्चों याद रखना, हाइपरथर्मिया, और हाइपरथर्मिया का मीनिंग होता है योर बॉडी टेम्परेचर मोर देन
your body temperature not more than exactly that we can say this is the 105 degree Fahrenheit. This is the hyperthermia. इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. अगेन यू कैन सी द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस. क्वेश्चन को पूछिए, देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछा. क्वेश्चन को पूछा द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस, रेड लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट और ब्लू लाइट. तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ब्लू लाइट. आपका आंसर क्या होगा? ब्लू लाइट. तो इस तरीके क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरीके क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे बच्चों. आज शॉर्ट स्वीट इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमने देखा, फोटोथेरेपी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखा, बिलरुबिन का लेवल, टर्म्स प्रीटर्म और एडल्ट में देखा. आज की कोशिश यही थी, कल फिर मुलाकात करूंगा. अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहेगा, माँ बाप का रेस्पेक्ट करेगा, किसी की बुराई मत करना, हो सके तो किसी का भला करना, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना पीठ पीछे वार करना, हमेशा जिंदगी में हंसते रहना, खुश रहना, तो कोई आपको देख के भी खुश हो बच्चों. इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.